अपने ग्रुप पे ही डाल देंगे, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ना बड़े वाला, उस पे ही डाल देंगे कि हीलिंग कोर्स हम लोग शुरू करने लगे हैं। हीलिंग कोर्स ना जैसे रेकी होती है ना, रेकी कई लोग जानते होंगे या कईयों ने की होगी, तो उसमें एक एनर्जी दी जाती है। और एंजल होते हैं, जैसे एंजेलिक कोर्स भी कई लोग करते हैं, तो ये एंजल रेकी नंबर, एंजल नंबर, ये एक ही, ये रेकी की तरीके से काम करते हैं, ये एंजेलिक नंबर बोला जाता है इनको। कई लोग हीलिंग कोर्स बोलते हैं, कई लोग एंजेलिक नंबर बोलते हैं इसको ना, तो ये इसी तरीके से काम करते हैं रेकी के तरीके से। लेकिन इसको काम किस तरीके से करवाना है, क्या एक बारी में हम कई सारे नंबरों का यूज कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, एक बार में हम लोग कई सारे नंबरों का यूज कर सकते हैं। और उसको सर्कल करना है क्या, जो नंबर आपको लगता है कि हमें जल्दी में चाहिए, उसकी रिस्पांस जल्दी चाहिए, तो उस नंबर को आप सर्कल कर सकते हो, ठीक है ना, उस नंबर को। और इसको लिखना किस पेन से होगा, ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से, ठीक है, इसको लिखना होगा ग्रीन पेन से और ब्लू पेन से। जो हमारा ये ग्रुप बना हुआ है ना, इसके ऊपर मैं कई सारे नंबर डाल भी दूंगी, जो नंबर नहीं बोल पाऊंगी कई सारे नंबर डालूंगी भी, और कई सिचुएशन में ऐसा होगा, कई सिचुएशन अभी कुछ लिखना है, अभी भी कुछ लिखना है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, एक बार सुन लेना इसको, बस मैं ये बता रही हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, यूज करने का तरीका बता रही हूँ कि जो ये नंबर है इनको यूज किस तरीके से, जैसे हम लोग करते हैं इसको, जो हमें लिखना होता है ग्रीन में या ब्लू पेन से लिखते हैं इसको हम लोग, क्या कर सकते हैं इस नंबर को हम लोग सामने वाले को, जैसे कैसे देना है कि कैसे चैंट करें इस मंत्र को। कई लोग जैसे मंत्र का चैंट करते हैं ना, इस तरीके से नंबरों का चैंट करना पड़ता है हम लोगों को कि मंत्र बोलो। जिस तरीके से मंत्र काम करते हैं ना, उसी तरीके से नंबर्स भी काम करते हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलना है, रेकी में जैसे हम लोग रेकी देते हैं किसी को, तो हम लोग ये पॉजिटिव वे में लेते हैं कि मेरी पेमेंट रिकवरी हो रही है, मेरी पेमेंट रिकवरी हो रही है। अब सामने वाले बंदों की ज्यादातर बातें क्या होती है, पेमेंट रिकवरी को लेकर ही दिक्कतें होती हैं, तो मेरी पेमेंट रिकवरी हो गई है या हो रही है, इस तरह पॉजिटिव वे में हम इसको लेंगे। और किस तरीके से इसको यूज करेंगे, जैसे पानी का गिलास ले लिया, उसके ऊपर इस मंत्र को बोल लो, बोलना कितनी बार है। अगर इसको मंत्र को चैंट भी करना है हम लोगों को, मंत्र मीन्स ये हीलिंग कोड को अगर हम लोगों को चैंट भी करना है, तो कितनी बार चैंट करना है, 28 टाइम दिन में 3 बार, या 45 टाइम दिन में 3 बार, या 54 टाइम दिन में 3 बार, इस तरीके से हम इसको चैंट कर सकते हैं। 28 टाइम, 45 या 54, टोटल इसका 1 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। इसको लिखना हमें ग्रीन और ब्लू पेन से ही है, इन्हीं से ही लिखेंगे इसको हम लोग ना, ग्रीन या ब्लू पेन से इसको हम लोग लिखेंगे, इससे लिख सकते हैं हम लोग। और क्या करना है, अब कई लोग हैं, आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड भी इस नंबर की एनर्जी लें, तो उनको किस तरीके से करके दे सकते हैं, या तो जो उनकी शर्ट है ना उनके कॉलर पर लिख दिया, या उनके स्लीव्स पर लिख दिया, जो आगे का वो जो होता है उसके ऊपर लिख दिया। आप लोग चाहते हैं कि वो शर्ट और वो जो कॉलर खराब ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करें, एक ना स्टिक पेपर आते हैं, पतले पतले से पेपर, जो स्टिकी वाले स्टिकी पेपर आते हैं, तो उनके ऊपर भी हम इन नंबरों को लिख सकते हैं। स्टिक पेपर में कोई पर्टिकुलर कलर मैम? नहीं, कोई ऐसा कलर की बात नहीं, व्हाइट हो तो भी चलेगा। तो इस नंबर को लिख सकते हैं, लिखना किससे, ग्रीन या ब्लू से, उससे लिख सकते हैं। अभी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड मैम, पूरी बॉडी का लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे लिख लेंगे इन नंबरों को, तो नहीं, अपने इस पे पाम पे नहीं लिखना है, अपनी हथेली पे नहीं लिखना है, अपने पूरे बॉडी पार्ट पर, लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं पर भी लिखोगे, लेकिन पाम पर नहीं लिखना है। लेग्स पे भी मैम लिख सकते हो? मैम पूरे लेफ्ट हैंड बॉडी साइड पर कहीं पर भी। और जो हम लोग फैट का करेंगे ना, कि मतलब पेट अंदर हो जाए वैली के लिए करेंगे, तो उसको हम पेट पर भी लिख सकते हैं, वैली फैट घटाना हो जिसने, तो मैं बताती चलूंगी। पॉसिबल है वैली फैट भी कम हो जाएंगे नंबर मैम, लेकिन आपको क्या करना है, इसके साथ साथ इसको चैंट भी करना पड़ेगा, अगर इसका रिजल्ट चाहिए 1 से 1.5 महीने में, और पॉजिटिव वे में कि हाँ मेरा ये चीज कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। और इस मंत्र को चैंट करना, मंत्र मीन्स हीलिंग कोड को चैंट करना पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा, और पॉजिटिव वे में सोचकर। हाइट बढ़ाने का भी है, 3 महीने के अंदर इसका 43 डेज में तो पेट वाला रिजल्ट आता है, कम होने लग जाता है, हेयर ग्रोथ का भी, सब कुछ आएंगे नंबर इसमें अभी। और जो जिस चीज की भी दिक्कतें हैं, वो मैं आपको सारा जो मैं लिखवाऊंगी लिखवा दूंगी, और सारा मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। लिखना ग्रीन पेन से, और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, पूरा एरिया लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा,
और डे अकॉर्डिंग भी मैं आपको नंबर बताऊंगी, जो नंबर आप कर रहे हो वो तो करो, लेकिन सुबह उठते ही अगर आज मंडे है तो कौन सा नंबर आपको बोलना है, 28 टाइम बोल लिया सुबह उठते ही, या दिमाग में रखा आज का ये वाला नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग पेपर पर, वो पानी की बोतल हो गई, पानी की बोतल के ऊपर भी इस नंबर को चैंट कर सकते हो आप लोग, या उसका स्टिकी पेपर उस बोतल के ऊपर लगाकर वो पानी पी सकते हो, वो पानी पी सकते हो इस तरीके से। अब हमसे अगर पास्ट लाइफ में कोई ऐसे कर्म हो रखे हैं, हमें नहीं पता, आज के टाइम में हम लोग ना क्या हो रहा है कि हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्म ऐसे हैं या इस जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें कोई चीजें मिलने में दिक्कतें होती हैं, हम उसके लिए कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमें दिक्कत आती जा रही है, तब भी हमें दिक्कत आती जा रही है। तो इसके लिए अब हमें नहीं पता कि वो पास्ट लाइफ कर्म है या क्या है, हम क्या करेंगे, भगवान की पूजा करने लग जाएंगे या कोई मंत्र जाप करने लग जाएंगे कि ये दिक्कत मेरी किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाए, ये दिक्कत मेरी खत्म हो जाए। तो इसके लिए एक कार्मिक नंबर होता है, कार्मिक नंबर क्या होगा वो नंबर लिख लो। अब आप लोग, मैं लिखूं या फिर कैसे करोगे? मैम आप लिखिए थोड़ा, नहीं तो हिंदी में बोला ना मेरे मिस्टेक। हाँ, ठीक है। तो मैम इसके लिए लिखो कार्मिक नंबर, पास्ट लाइफ में जो भी जैसे गलतियां सी हुई हुई है तो उसकी वजह से कोई दिक्कतें आ रही है, तो इसके लिए। और लिखना कैसे है, जहां पर मैं स्पेस दूंगी आपको चैंट भी उसी तरीके से करना है और लिखना भी उसी तरीके से है। अब इसके लिए कार्मिक नंबर क्या है हमारा, 1 4 स्पेस देंगे थोड़ा सा, एक वर्ड के जितना, 7 1 0 1 4 7 1 0 1 4 स्पेस दिया थोड़ा सा, फिर 7 1 0 और इसको बोलना कैसे है आप लोगों ने, 1 4 7 1 0 1 4 7 1 0 1 4 7 1 0 और लिखना कैसे है थोड़ा सा स्पेस देकर। मतलब कुछ भी, मतलब कार्मिक कर्जे हो, कार्मिक कर्मों से निकलने के लिए ये वाला नंबर। जहां पर स्पेस की जरूरत पड़ेगी वो मैं अपने आप बोलती चलूंगी। अब मिराइकल नंबर, मिराइकल नंबर कौन सा होगा, काश मुझे ये काम हो जाए। अब यूं नहीं है कि भाई कि ये वाला जो काम मेरा है कि आपने बोला चांद ताड़े टूटकर मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं, एक चीज वैसी कि भी मिराइकल हो जाए इस तरीके से। कुछ अगर आपने 50,000 रुपए की डिमांड करी है तो चलो 20,000 रुपए तक तो आपको पता है कि मेरी उम्मीद है वहां से आने की, लेकिन वो दे नहीं रहा बंदा, मतलब ना आ नहीं रहे, तो मिराइकल नंबर कि भी इस तरीके से कुछ मिराइकल हो जाए लाइफ में कि फटाफट से मेरा ये काम बनने लग जाए। काम भी कैसे सोचने हैं, जो आपको लगता है हाँ हो सकते हैं इस तरीके के। तो मिराइकल नंबर क्या होगा, 7 2 इनमें स्पेस नहीं होगा, जो मैं बता रही हूँ इसमें स्पेस नहीं होगा, 7 2 1 2 9 1 8 4 मिराइकल नंबर, 7 2 1 2 9 1 8 4 इसको लिखना ग्रीन पेन से या फिर ब्लू पेन से। अब पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति किसी का पैसा लेकर भाग गया है, पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है और काफी दिनों से आप उसको फोन कर रहे हो मेरा पैसा दे दे पैसा दे दे पैसा दे दे, सामने वाला व्यक्ति पेमेंट नहीं दे रहा है, तो पेमेंट रिकवरी के लिए कौन सा नंबर होगा, 7 7 4 0 9 6 9 7 7 4 0 9 6 9 हेल्थ अच्छी रहे, किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत है, सही हेल्थ रहे, कि जैसे कई बार क्या होता है डाउन हो जाती है हेल्थ, इस तरीके से हो जाती है, हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए क्या नंबर है, इसमें आपको स्पेस देते हुए चलना है, क्या है हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए 4 4 फिर थोड़ा सा स्पेस दिया यहाँ पर हमने 3 4 4 4 3 4 1 3 1 4 4 3 4 1 3 1 और एक बारी में कई सारे नंबर आप लोग यूज कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कुंडली में हमारा कोई प्लेनेट चल रहा है
हमें पता है ये दशा चल रही है हमारी, ये अंतर दशा चल रही है, ये हमें खराब फल देगी, हमें दिख रहा है ये वाली दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, उसके खराब रिजल्ट आने, या कोई प्लेनेट हमारी कुंडली में ऐसा है जो खराब है, तो उसके सही रिजल्ट के लिए, और हमने देखा कि जो दशा अंतर दशा चल रही है वो हमें सही रिजल्ट दे रही है, खराब फल नहीं दे रही, तब भी सामने वाले को दिक्कत आ रही है, हो सकता है घर में वास्तु में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रखी हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा नंबर चैंट कर सकते हैं, 381 स्पेस। नहीं, एक बार रिपीट कर देंगे इसका, एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा, कुंडली में मैम कोई प्लेनेट गलत बैठा हुआ है या कोई दशा अंतर दशा ऐसी चल रही है जो नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, अगर हमने देखा कि कुंडली में दशा अंतर प्लेनेट भी अच्छा बैठा हुआ है और दशा अंतर दशा भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, फिर भी सामने वाले व्यक्ति को दिक्कत आ रही है किसी ना किसी चीज की, हो सकता है उसके घर में कोई वास्तु दोष ना गड़बड़ाया हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला नंबर है 381-5189, इसको आप क्या कर सकते हो अपने घर में भी एक व्हाइट पेपर के ऊपर राउंड करके इस पेपर ग्रीन पेन से लिखकर अपने घर में लगा सकते हो, ताकि आपकी आंखों के सामने रहे और आप इस नंबर को चैंट करते रहो। घर पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, ये वाला नंबर लगा सकते। तो मैम इस नंबर को भी दिन में 3 बार चैंट करना होगा, दिन 3 बार कैसे, 28 टाइम या 45 टाइम। ओके, घर पे कहीं भी लगा लेना, घर पर कहीं पर भी लगा दो मैम। अब किसी का सर दर्द हो रहा है, काफी ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द को दूर करने के लिए 5943618 किसी भी तरह के सिर दर्द के लिए, जैसे माइग्रेन का दर्द है तो भी मैम, और जो वैसे माइग्रेन है ये सारा मैं आपको भेजूंगी, जो और भी जो भी डिजीज है ना, ये डिजीज का मैं सारा आपको भेज दूंगी, वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को भेज दूंगी सारा। जैसे ये नॉर्मल सर दर्द हो रहा है तो उसमें 5943618 अब व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार तो शुरू कर लिया है लेकिन बढ़ नहीं रहा आगे, व्यापार तो शुरू कर लिया लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ तो उसके लिए कौन सा नंबर रहेगा हमारा, 199-199-621147 199-621147 अब सामने वाला बोल रहा है मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करें, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी क्लाइंट आ नहीं रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या नंबर हमारा रहेगा, 71588 ये कहीं लिख के, मतलब ये पेपर में रखते हैं कहीं भी, वहां पे पेपर पर लिख लो या फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लो, कहीं पर भी, गरम मारती नहीं है प्लीज, कहीं पर भी लिख लो इसको, किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए नंबर है आपका 1176, विश फुलफिलमेंट के लिए नंबर है आपका 1176। अब आपको लोगों को लग रहा है कि मेरे पैसे कहीं खो गए हैं या मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ, आपने रखकर भूल गए हैं और आपको मिल नहीं रहे हैं वो पैसा, आप ढूंढ रहे हो किसी पर्स में रखकर भूल गए या वैसे, तो वो पैसा मिल नहीं रहा है आपका, कहाँ पर रख के भूल गए हैं वो वाला पैसा, तो उसके लिए क्या नंबर रहेगा आपका, 90 space 44 space 565 90 44 90 space 44 space 6 5 6 5
अगर हमारे पेट के ऊपर चर्बी बढ़ी हुई है, उस चर्बी को कम करना है, पेट काफी ज्यादा हुआ है। ये जो नंबर बताया 9044565 किस चीज का था मैम? पैसे खो गए हैं आपके, भूल गए हो, मिल नहीं रहे। सिर्फ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी मैम चलेगा? पेट की फैट कम करने, बेली फैट कम करना है, उसके लिए क्या नंबर रहेगा हमारा? 8424 2761। इसे रेड पेन से लिखना है, इसे रेड पेन से लिखना है। लेफ्ट हैंड पे ना? लेफ्ट हैंड पर, या अपने पेट के ऊपर इसे लिख सकते हो, पानी के ऊपर चैंट कर सकते हो, या फिर 28 बार चैंट कर सकते हो। पानी की बोतल पर अगर लिख के लगा दिया और उस पानी को पिया, 43 डेज में फर्क आएगा मैम। हाँ जी, 43 डेज में, लेकिन रेगुलर चैंट करना है, मेरे पेट का फैट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इस तरीके से पॉजिटिव वे में बोलना भी है आपने। बेली फैट के लिए रेड पेन से लिखा जाएगा इसको। अब वेट लूज करना है, किसी ने अपना वेट लूज करना है, तो उसके लिए क्या होगा हमारा? 4952911151। किसी ने अपना वेट लूज करना है तो उसके लिए क्या होगा? वजन कम करना है, 4952911151। इसको रेड पेन से लिखना है ये दोनों को, क्योंकि ये कम करना है ना हमें, घटाना है। मैम इसको किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल में या कोई कलर्ड बॉटल हो, कुछ कोई सी भी बॉटल हो मैम आपकी, उसके ऊपर स्टिकी वो लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया इसको रेड पेन से। लिखने के बाद भी 28 बार चैंट करना है इसको, चैंट करना है मैम इसको ना। क्या बोलते हो कि मेरा वजन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए, वेट गेन के लिए, वेट गेन के लिए क्या रहेगा आपका? 52 82 6 9 8 52 82 6 9 8। स्किन पर एक्ने हो गए हैं, कई लोगों के क्या होता है छाइयां आ जाती है, मतलब पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पर। मैम ये नंबर ग्रीन पेन से लिखेंगे नीचे वाला? हाँ मैम, ये ग्रीन पेन से, रेड पेन का मैंने बोल दिया, और जहां पर पेन आएगा मैं बोलूंगी। जैसे मैम ये नंबर हमें एक चीज और है कि जैसे किसी जैसे वेट गेन करना है तो हमें वेट गेन के लिए बोलेंगे 28 बार वेट गेन की, नंबर को हमें 28 बार, नंबर को हमें 28 बार बोलना है, ये आपको 28 बार चैंट करना है, और मन में क्या फीलिंग रखते हुए कि मेरा वेट गेन हो जाएगा या मेरा वेट कम हो जाएगा, इस तरीके से करके बोलते हुए कि मैं अपना इसके लिए कर रही हूँ कि मेरा ये चीज हो गई है, पॉजिटिव वे में इसको लेते हुए। ठीक है, इसको सर्कल भी करेंगे मैम? नहीं, जरूरी नहीं है। अब क्या करना है, पिगमेंटेशन हो जाए स्किन पर, किसी प्रकार की झाइयां आ जाती है लोगों के और एक्ने हो जाए, पिंपल हो जाए, एक्ने और पिंपल के लिए लिखना है इसको, पिगमेंटेशन के लिए मत लिखना, पिगमेंटेशन के लिए अलग नंबर बताती हूँ। एक्ने हो जाए और पिंपल हो जाए स्किन पर, इसके लिए क्या नंबर रहेगा? 879 879। एक्ने हो जाए, पिंपल हो जाए स्किन पर, 879। ग्रीन पेन और रेड पेन मैम? ग्रीन पेन, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब में हरा और नीला पेन रहेगा, जहां पर दूसरा पेन यूज होगा वो बताऊंगी मैं। अब किसी की पिगमेंटेशन हो गई है, पिगमेंटेशन के लिए क्या नंबर है? 515। पिगमेंटेशन के लिए क्या नंबर है? 515। क्या हो जाते हैं, कई लोगों की ड्राई स्किन हो जाती है और स्किन फटने लग जाती है ना, स्किन काफी ड्राई हो जाती है और फटने लग जाती है, तो उसके लिए क्या नंबर है आपका? 519 space आएगा, 606, फिर स्पेस आएगा आपका
9013193 1 9 3 1 9 ये नंबर आप नंबर के लिए आपको खोलनी ही पड़ेगी क्योंकि बिना इसके याद नहीं होते ये नंबर ना काफी बड़े हो जाते हैं कई जगहों पे ये नंबर 519 स्पेस 606 स्पेस 901 स्पेस 319 हाइट बढ़ाने के लिए कई छोटे बच्चे हैं आपने देखा उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है 17 साल तक के बच्चों के लिए पहले नंबर हाइट नहीं बढ़ रही है उनकी 17 साल वाले बच्चों के लिए नंबर 52611 सिर्फ 17 इयर्स की एज तक के बच्चे हैं ये ना अब 18 से ऊपर वालों के लिए 2850 18 प्लस 2850 कि मुझे व्यापार में सफलता मिले व्यापार बिजनेस में सफलता के लिए व्यापार में सफलता के लिए 319 048 319 048 714 319 319 048 हल्का सा स्पेस 714 स्पेस 319 अब कई बार क्या होता है लोगों के पास पैसे आ रहे हैं फिर थोड़ा टाइम रुक गया फिर पैसे मतलब मनी का फ्लो बना रहा है फ्लो ऑफ मनी 619 स्पेस 714 स्पेस 218 41 619 स्पेस 714 स्पेस 218 841 फेस ब्यूटी अपना फेस ऐसी सही से सही लगता रहे चमकदार रहे मतलब मैं सुंदर दिखूं फोर थ्री नाइन फोर एट फाइव वन अब कई लोगों की चिन होती है डबल चिन हो जाती है नेक ना नजर नहीं आ पाती है डबल चिन हो जाती है वो डबल चिन को ठीक करने के लिए और नेक सही से दिखे उसके लिए क्या करना कौन सा नंबर होगा और जो ये वाला नंबर हमने पहले बोला ना कि चेहरे पर मतलब चमकदार रहे ये हमने वायलेट कलर या पर्पल कलर से लिखना है वायलेट कलर या पर्पल कलर अब किसी के डबल चिन हो गई है और नेक सही से नजर नहीं आ पा रही है उसके लिए क्या नंबर है 3922 5285 ये पर्पल कलर से ये भी मैम नहीं ग्रीन पेन से ये अब कई लोगों को काफी ज्यादा हेयर फॉल की शिकायत रहती है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं नंबर भी चेंज करो और जो आपके तेल की बोतल है ना उसके ऊपर आप ये नंबर लिख के रख सकते हो
तेल की बोतल के ऊपर स्टिक लगाकर ये नंबर लगाकर लिख सकते हो, या उसी के ऊपर ये नंबर लिख सकते हो। क्या नंबर है? 22। ये आइडिया अच्छा है मैम। हाँ मैम, उसके ऊपर स्प्रे बोतल के ऊपर भी, आप जैसे क्रीम है कोई तो अपनी क्रीम के ऊपर आप ये नंबर लिख सकते हो। यस मैम। कौन से कलर से? और जैसे स्प्रे बोतल है, अब घर से नेगेटिविटी है ना, जैसे अब वो नंबर है, मैंने पहले वास्तु और कुंडली के लिए एक नंबर बोला था आपको, क्या करोगे? स्टिक लगा दोगे एक स्प्रे बोतल के ऊपर, ठीक है ना, और जैसे उसमें गंगा जल सा डाल दिया या कुछ गोमूत्र वगैरह करके घर पर जो छिड़काव करते हैं हम लोग, तो उससे घर पर छिड़काव कर दिया। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तेल पर लिख लिया, अपने क्रीम पर लिख लिया, इस तरीके से कर सकते हैं। अब किसी का हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए क्या नंबर है आपका? 22761, स्पेस नहीं है इसमें, 22761095, उसके ऊपर लिख सकते हो इसको आप लोग ना। मगर बोलना 3 बार पड़ेगा मैं, उसके ऊपर लिख दो, फिर जब तेल लगाने लगे तो आपके सामने तेल भी पड़ा हुआ है, मन में ये कि अब मेरे बाल वैसे करके झड़ेंगे नहीं, उसके नंबर आपके सामने ही, उसको बोलते रहो, लगाते लगाते बोल लो। तेल दिखता ही है ना चेहरे पे नंबर, जाएगा और काम भी हो जाएगा। मार्केट में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कि बस क्या है मैम, हम भरोसे वाली बात है ये नंबर्स पे ना, जो ये रेकी होता है, एंजल नंबर, इन पर सिर्फ भरोसे वाली बातें होती है, कि जैसा आपका विश्वास वैसे इनका काम। यस मैम, ये सिर्फ भरोसे वाली चीजें हैं। अब कई जगह इंसान की ऐसी होती है कि भाई वहां से बाल हट गए हैं, बिल्कुल वहां पर बाल नहीं आ रहे, गंजापन आ गया है, चाहते है कि उस जगह दोबारा से बाल आ जाए, तो उसके लिए कौन सा नंबर होगा हम लोगों का? सेम इसी तरीके से उसको स्प्रे बोतल पर, तेल पर अपने कर सकते हो। क्या नंबर होगा? 214 7959 214 7959। किसी भी तरीके के एग्जाम में सफलता, कि मैं ये पेपर देने जा रहा हूं, मुझे इसमें सफलता मिले, अकेडमी में या फिर एग्जाम में कोई भी तरीके का पेपर देने जा रहा हूं, मुझे उसमें सफलता मिले, तो उसके लिए कौन सा नंबर है? बच्चे की पानी की बोतल पर लिख दिया, या किसी चीज के एग्जाम देने जा रहा है तो इसका ये एग्जाम सही से हो जाए, तो इसमें क्या होगा हमारा? 84 space 629 space 585 space 4519 84 space 629 space 585 space 4519। कई बच्चे ऐसे पढ़ाई पर पूरा फोकस ना हो, ठीक है ना, और मन नहीं करता उन लोगों का पढ़ने का, कि हमारा मन नहीं करता है पढ़ने का, तो उसके लिए कौन सा नंबर जाएगा हमारा? 4588 4588। मैम ये एजुकेशन के लिए ना? हाँ मैम, एजुकेशन के लिए ना, बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगता हो, फोकस ना हो अपनी पढ़ाई की तरफ पर। 4588 6 2 3 4588 6 2 3। अब कई लोगों को मेंटल क्लियरिटी नहीं होती है, जो भी समझा दिया जाए समझ में नहीं आता है उन लोगों को, तो उसके लिए क्या नंबर होगा हमारा? 22 space 26 space 980 22 space 26 space 980। मैम कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें उस समय तुरंत नहीं समझ में आती है, लेकिन हाँ, जब एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार, तब बहुत हाँ, लंबा प्रोसेस मतलब हो जाता है, मतलब मेंटल क्लियरिटी नहीं है ना सामने वाले को। तो उसमें भी ये वर्क करेगी? काम करेगा मैम, काम क्या करेगा? आपके बिलीफ पर काम करेगा मैम ये ना, कि भी आप बोलो कि आज कर लिया, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आते मैम। कोई अगर हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है? अच्छे नंबर, अब पेपर तो देके आ गए हैं, पेपर तो सही हो गया है, अब नंबर अच्छे आए उसके लिए कौन सा नंबर रहेगा आपका? कि नंबर अच्छे आए 54109 54109
डबल जीरो डबल सिक्स फाइव फोर वन जीरो नाइन डबल जीरो डबल सिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्री जीरो वन सेवन थ्री जीरो वन सेवन थ्री एट जीरो टू थ्री जीरो वन सेवन थ्री एट जीरो टू किसी भी जगह पर दर्द हो रहा है अब आप चाहते हो कि मुझे पेन रिलीफ हो जाए तो इसको चैंट भी करेंगे और पेन रिलीफ के लिए कौन सा है आप लोगों का पेन रिलीफ हो जाए जो भी दर्द हो रहा है आपके कहीं पर भी तो उसके लिए नंबर आपका रहेगा 164 368 164 368 थ्री सिक्स थ्री एट फाइव वन सिक्स फोर थ्री सिक्स एट थ्री सिक्स थ्री एट फाइव पेन रिलीफ के लिए अब कई बार कोई व्यक्ति कैसे होते हैं हमेशा दिमाग में नेगेटिव बातें आना हमेशा नेगेटिव विचार आना या दिमाग में ऐसे हो जाना अगर ऐसे करके ये चला गया तो कुछ हो तो नहीं जाएगा नेगेटिव थिंकिंग रहना हमेशा नेगेटिव सोच रहना कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है ना कि भाई नेगेटिव विचार थॉट आ जाते हैं पहले ही अगर कुछ करने के लिए जा रहे हैं कि ऐसे तो नहीं हो जाएगा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा नेगेटिव से खुद को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से खुद को पॉजिटिव करने के लिए 1888948 और इसको किस तरीके से चैंट करेंगे 1888948 इस तरीके से चैंट करेंगे इसको हम ना 888 चैंट नहीं करेंगे 88 करके चैंट करेंगे मैम वो 4 है या 1888948 ओके हां जी 1888 ऐसे पढ़ना अब कई हस्बैंड वाइफ में क्या होता है बोलते हैं अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा जैसे पहले बातें करते थे अब उस तरीके से बातें नहीं है पहले जैसा प्यार नहीं रहा है तो उसके लिए पहले जैसी बात नहीं रही है तो फिर अगर पहले जैसी बात हो जाए उसके लिए हम लोग क्या नंबर चेंट करेंगे 7372 मैम रिलेशन क्या हाँ जी मैम कह रहे मैम रिलेशन का भी करवाती हूँ मैम कि जैसे किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है कुछ वैसे तो वो भी बताती हूँ जैसे अब कोई शादीशुदा शादी हो गई है दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं बातें कर रहे हैं सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कई लोग अब पहले जैसे हमारे रिलेशन में ना बात नहीं रही है okay. कि पहले बहुत प्यार था अब थोड़ा ऐसे हो गया है पहले जैसी बात नहीं रही है पहले जैसी बात हो जाए तो इसके लिए 7372 99 अब रिलेशनशिप में काफी ज्यादा झगड़े हो रहे हैं वो झगड़े सुलझ जाए झगड़े सुलझाने के लिए 77 कपल का मैम हाँ दोबारा बोलो मैम मैं कपल का झगड़ा कपल का मैम कपल का रिलेशनशिप में झगड़े सुलझवाने के लिए कपल भी ले सकते हो इसके बीच में अब किसी से किसी तरीके का माँ बेटे का रिलेशन हो गया बहन भाई का रिलेशन हो गया उसमें भी ये नंबर यूज कर सकते हो आप ओके रिलेशनशिप में झगड़े सुलझाने के लिए 77 366 स्पेस आएगा 77 स्पेस 366 स्पेस आएगा आपका 856 स्पेस 476 अब आपने किसी के साथ बिजनेस कर लिया है या किसी रिलेशन में बन गए हो कि लड़के को या तो लड़की पसंद आ गई है आप चाहते हो कि ये बिजनेस पार्टनर मेरा लंबा चलता रहे या ये मेरे साथ मतलब मैं इससे आगे रिलेशन लंबा बना लंबे समय के लिए रिलेशन बनाने के लिए कि रिलेशन लंबा चले तो उसके लिए कौन सा होगा हमारा 37 37 स्पेस
4 double 4 double 6 double 8 3 space 4 2 5 3 7 space 4 double 6 space 8 3 space 4 2 5 अब कई लोग सिंगल है, पार्टनर नहीं मिल रहा है, काफी दिनों से देख रहे हैं कि भाई पार्टनर मिल जाए, लड़का मिल नहीं रहा है, लड़की के रिश्ते के लिए या फिर अपने पार्टनरशिप के लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, ये रिश्ता नहीं हो रहा है लोगों का, तो उसके लिए कौन सा नंबर होगा? पार्टनर नहीं मिल रहा है। 419 4 6 वही ना, शादी के लिए ना है पार्टनर। हाँ, बिल्कुल शादी के लिए, पार्टनर नहीं मिल रहा, बंदा सिंगल है, अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। या बिजनेस में भी अगर पार्टनरशिप में सकते हो, बिल्कुल बोलोगे मैम, क्योंकि सेवन हाउस हमारा दूसरा पार्टनर भी और वैसे भी पार्टनर है। 419 4 6 5 3 1 9 4 1 9 4 6 5 3 1 9 कई लोगों के डार्क सर्कल हो जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना शुरू हो रहे हैं या डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो उसके लिए 4 8 2 4 मैम ये रिपीट कीजिए मैम, डार्क सर्कल के लिए मैम, आंखों के नीचे काला घेरे आना 4 8 2 4 8 8 4 1 1 4 8 2 4 8 8 4 1 1 आंखों की दिक्कत, आईसाइट की दिक्कत 1 2 1 1 2 1 5 8 5 8 5 1 2 1 5 8 5 0 6 8 1 2 1 5 8 5 0 6 8 कई लोगों के जल्दी उम्र में बाल सफेद होने लग जाते हैं, बाल जल्दी सफेद होना, जल्दी उम्र में, छोटी उम्र है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है हमारा 5 3 4 1 5 3 4 1 00 1 6 3 ग्रे हेयर बोलते हैं कई लोग इसको ना। कोई बच्चा है अभी एग्जाम वगैरह सही किया, अब चाह रहा है कि मेरी जॉब लग जाए, कोई बच्चे चाहते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, तो जॉब लगने के लिए क्या नंबर होगा, कि मेरी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, तो जॉब के लिए क्या नंबर है 6 6 space 7 4 जिसको नई जॉब चाहिए ये उसके लिए बात हो रही है, अभी दूसरी जॉब का आगे बताऊंगी कि जॉब छूट गई है किसी कारण से तो वो जॉब नहीं लग रही है, वो एक अलग बात है, ये जो इसको नई जॉब चाहिए उनके लिए जो शुरुआत करने लगे हैं जॉब में उसमें 6 6 space 7 4 space 3 4 space 7 5 6 6 space 7 4 space 3 4 space 7 5 गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या नंबर रहेगा हमारा 6 8 1 space 2 space 4 4 space 2 गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या रहेगा हमारा 6 8 1 space 2 space 4 4 space 2 कई लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, चाहते हैं या तो हम दूसरी जगह पे कोई जॉब करने जाए तो हमारी सैलरी बढ़े, मतलब सैलरी बढ़ाने का इस्तेमाल कि अपने या तो ऑफिस में तो हमारी सैलरी बढ़ जाए, सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या नंबर है 7 0 space 5 5
स्पेस 62 स्पेस 87 70 स्पेस 55 स्पेस 62 स्पेस 87 आगे 87 अब कई लोगों की अब जैसे कोरोना काल आया व्यक्ति ने जॉब छूट गई है कई लोगों की जॉबे नहीं लग रही है तो उनके लिए कौन सा नंबर रहेगा जॉब नहीं मिल रही है अब उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या नंबर रहेगा जॉब ढूंढ रहे नहीं मिल रही है 49 ये बहुत बड़ा नंबर है 493151 स्पेस 864 स्पेस 1491 413151 स्पेस 864 स्पेस 1491 कोरोना के बाद जैसे कई लोगों की जॉब चली गई है और अब वो देख रहे हैं हमें हमारे हिसाब से जॉब मिल जाए और उनके हिसाब से नहीं मिल रही है तो उनके लिए ये वाला नंबर ना अब कई लोग इंटरव्यू देकर आ गए हैं और चाह रहे हैं कि जो मैं इंटरव्यू देकर आया हूं ना उस इंटरव्यू में मुझे सफलता मिल जाए इंटरव्यू में सफलता के लिए एक मिनट रिपीट करने इंटरव्यू में सफलता के लिए सुनीता जी नहीं 481 है क्या लास्ट में जो भी लिखा है जो अभी लिखा हुआ है हमने जी जी बिल्कुल हाँ 864 स्पेस 1491 अच्छा ठीक है अब इंटरव्यू में सफलता मिल जाए इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या नंबर है हमारा 54 84 54 84 50 53 की इंटरव्यू देके आया हुआ हूँ तो उस इंटरव्यू में मुझे सफलता मिल जाए 54 84 50 53 किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू कोई भी हेल्थ इश्यू किसी भी प्रकार का ठीक हो जाए 1814321 हेल्थ इश्यू कई लोगों को ना अपने कामों को लेकर ना कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये काम करूं कि ये काम करूं या यहाँ पर जाऊं या ना जाऊं कंफ्यूज हो रहे हो लोग जैसे किसी भी काम बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो क्या करूं क्या ना करूं तो उसके लिए क्या चैंट करना है 808 808 चैंट करना है मैम समटाइम डिसीजन नहीं ले पाते हैं उसमें भी समझ में नहीं आ पाता क्या करना है हमें तो 808 कई बार पैसों की कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए हमें एक एनर्जी सर्कल बनाना है हरे पेन से ही तो उसके अंदर क्या लिखना है 520 520 741 777 मैम ये किसके लिए बोला मनी के लिए पैसों के लिए सर्कल बनाना है बल्कि इस सर्कल को जो आपका लोकर है ना उसके ऊपर बना देना लोकर के ऊपर ये सर्कल बना देना या जिस बॉक्स में पैसा रखते हो या अपना पर्स रखते हो ना अपने पर्स के अंदर ना एक व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से सर्कल करके ये नंबर डाल के डाल रख देना 520 741 3x7 777 एक ही बार लिखना है मैम एक ही बार लिखकर अपने पर्स में रख दो और उसको दिन में 3 बार बोलते रहे अगर जा रहे हो बाहर क्योंकि ये तो आसान है ये नंबर तो याद रह सकते हैं बस ये नंबर ना आपको सामने चाहिए होंगे तब भी क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं ना और कुछ गलती ना हो नंबर बोलने में बस ये चीज ये हमारे नंबर हुए और उसको चैन कैसे करेंगे 520 हाँ 520 741 777 520 741 777 इस तरीके से चैंट करेंगे ठीक है तो नंबर सामने होना चाहिए ना पेपर का पेपर पे देख के बोलना है इसको नंबर को अगर आपके दिमाग में है तो ऐसे ही बोलो ना चैंट करो
अगर कोई मंत्र होता है, जैसे मंत्र होते हैं, मंत्र हमें याद नहीं होते तब तक तो हम देख कर बोलते हैं, और जब याद हो जाते हैं उसके बाद हम ऐसे बोलने लग जाते हैं, बस बोलना सही है। हाँ जी, और जो ये डिसीज के मंत्र है ना, जो डिसीज के ये कोड्स है, ये सारे मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, ठीक है, और जो संतान से रिलेटेड है वो व्हाट्सअप कर दूंगी, सारी ये कर दूंगी, अभी जितने थे और मैंने लिखवा दिए, और जो भी है वो सारे दे दूंगी। अब पर डे के हिसाब से लिख लो, पर डे सुबह उठते ही जैसे हमें जो बोलना है, और उसके बाद जो भी नंबर आपको चैंट करना है वो करते रहो, लेकिन पर डे के हिसाब से हमारा कौन सा होगा, मंडे के हिसाब से, जो मंडे को आपको सुबह उठते ही बोलना है, तो 47 28 टाइम मंडे को 47, ट्यूसडे का है 69, वेडनेसडे का है 104, और थर्सडे का है आपका 25, फ्राइडे का है 71, सुबह उठ कर, चाहे आप लोग उतर भी गए हो बेड से या फिर घूम रहे हो, तुम आपको दिमाग में आ गया कि आज का मेरा ये वाला है, 28 टाइम इसको बोल दिया। सैटरडे का है 39, नहीं सैटरडे का है 93, 39 नहीं 93, सैटरडे का है 93, संडे का है 156, इसको भी तीन बार बोलना मैम दिन में? मैम नहीं, एक ही बार सुबह उठ के एक ही बार बोल दिया बस आपने ना, 28 टाइम एक ही बार बोल दिया, आज सैटरडे है तो बोल दिया 93 93 93, 28 टाइम हो गया बस, उसके बाद जो आपको चाहिए उस तरीके से। जैसे कहते हैं ना पर डे का कोई कलर होता है, कौन सा कपड़ा पहने कोई क्या करे, पर डे का नंबर भी यही है। ओके ठीक है मैम, और नंबर मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगी, अगर इसमें किस तरीके से करना है कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ लो। समझ में आया मैम। कोई लिखने में दिक्कत या फिर किस तरीके से पानी की बोतल पर इसको लिखना है, लिख सकते हो इसको मार्कर से, या फिर पेपर चिपकाकर उसके ऊपर लिख सकते हो, चैंट कर सकते हो, अगर तेल का है या क्रीम का है तो उस क्रीम के ऊपर लिख लिया, या स्प्रे बोतल पर डाल लिया उसी तेल के ऊपर लिख दिया इस नंबर को। मैम जैसे पानी की बोतल है, अगर हमको ये नंबर याद हो जाता है तो ऐसे भी बोल करके पी सकते हैं, लिखना जरूरी है? पी सकते हैं मैम, ऐसा नहीं है फिर उसके ऊपर लगाना है तो उसके ऊपर पहले थोड़ी देर क्या, या तो आप उसके ऊपर चिपकाना नहीं चाहते तो क्या कर सकते हो, जैसे एक पेपर के ऊपर आपने लिख लिया नंबर लिख लिया, उस पानी की बोतल को उसके ऊपर रख दिया। ओके है ना, जैसे उसको हल्का सा लेमिनेट कर लिया उस नंबर को, ताकि वो नंबर वो ना हो जाए, खराब ना हो जाए पानी की वजह से, तो उसके ऊपर रख दिया उस एनर्जी को। क्या करते हैं अब, खाने के अंदर एनर्जी देनी है किसी को हमें, तो खाने का कटोरी हो गई हमारी है ना, बाउल हो गया जो भी जिसमें खाना डाला है हमने, ठीक है वो कांच का बाउल होना चाहिए लेकिन ना, ताकि उसके ऊपर से एनर्जी, और जो नंबर है ना उस नंबर के ऊपर ये बाउल रख दिया, ताकि वो नंबर की एनर्जी उसके अंदर जा सके। इसमें जितनी बार जैसे नंबर बोलने के बाद कोई फूंक तो नहीं मारनी ना? बस नहीं नहीं नहीं, नहीं मैम, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करना है, नंबर बोलकर कोई फूंक नहीं मारनी है इसके अंदर। अभी डाल दूंगी ग्रुप में ही डाल दूंगी ये वाली वीडियो ना। हाँ जी, और कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं मैम। हाँ जी सुनीता जी, कोई डाउट है? नहीं मैम। चलो ठीक है मैम फिर। ठीक है। हाँ जी ठीक है मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। थैंक यू।